मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SST क्लास ऑफ 7th. चिल्ड्रन, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ सिविक्स, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवर्टाइजिंग. सो इन प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉट यू व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया. ओके, द एडवर्टाइजर्स यूज वेरियस मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, होर्डिंग्स, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स टू रीच आउट ए ह्यूज कस्टमर बेस. तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई मीडिया का यूज करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, जर्नल, ब्रोशर, पैम्फलेट एटसेट्रा. द मीडियम चोजन डिपेंड्स अपॉन द मर्केंटाइज टारगेट मार्केट, वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस एंड द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर इट. और जो मीडियम हम चूज करते हैं वो कस्टमर को देखते हुए कैसा रिसोर्स है, कैसा टारगेट है, उसके बेसिस पे लॉन्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी इज प्रमोटिंग अ न्यू वेराइटी ऑफ सीड, देन टू रीच आउट टू इट्स पोटेंशियल कस्टमर्स दैट इज फार्मर्स, इट शुड यूज रेडियो एंड टेलीविजन विच हैज ए वाइडर रीच टू टारगेट ऑडियंस रेदर देन साइंटिफिक जर्नल. तो अगर सपोज कोई कंपनी नया सीड लॉन्च कर रही है तो सीड लॉन्च का टारगेट को सीड को कौन यूज करेगा, फार्मर्स यूज करेंगे. तो इसका मास प्रोडक्शन पे लॉन्च होना चाहिए. और कौन सा मीडियम हम यूज करेंगे, यस वी विल चूज रेडियो एंड टेलीविजन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचे और वो उसको बाय करे. सिमिलरली टू एडवर्टाइज द ओपनिंग ऑफ a new stylish salon in your neighborhood, one can hand out leaflets, set up hoardings or banners in the around locality, even carry out door-to-door promotional activities for quick publicity rather than advertising in newspapers or internet. So suppose agar aapke aas paas koi salon khula hai ya koi parlor khula hai, usko launch kar rahe hai aur uska advertisement karna hai, to uski jagah hum radio or television ya internet ka use na karke chote-chote pamphlets बटवाएंगे या होर्डिंग्स लगवा देंगे या तो डोर टू डोर प्रमोशन करेंगे, ताकि लोकल एरियाज के लोग ज्यादा से ज्यादा उस बारे में अवेयर हो सके. ओके, एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द मीडिया. और एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मीडिया का अर्निंग का. इफ यू विल टर्न ओवर द पेजेस ऑफ ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, यू विल कम अक्रॉस एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोटिंग ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. और आपके घर में सबके जगह न्यूज़पेपर आता है, अगर आप उनके पेजेस को टर्न करेंगे तो आप देखेंगे उसपे कई सारे एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं. कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट हैज वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द प्राइस ऑफ मार्केटिंग थ्रू द प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो लेस एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग. और न्यूज़पेपर बहुत ही इफेक्टिव मीडिया है, क्योंकि ये घर घर जाता है, लोग इसे घर घर पढ़ते हैं, तो आपके प्रोडक्ट का अच्छा लॉन्च हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. और जो प्रिंट मीडिया का कॉस्ट है वो भी काफी क्या होता है, कम होता है. देन हैव एवर वंस रेड दे आर स्टैक्ड अवे सो द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग गेट्स डिफीटेड. हालांकि ड्रॉबैक ये है कि एक बार न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं उसके बाद कोने में चला जाता है, तो वो यूजलेस हो जाता है. Circulars, flyers and brochures that draw attention to the features and exceptional quality of a product or other less costly but effective ways of advertisement. तो circulars हैं, flyers हैं, brochures हैं, ये क्या होते हैं, time to time circulate होते हैं, जिससे लोग अगर उस product के बारे में भूल भी जाते हैं तो वो देख के उन्हें याद आ जाता है. Eye catching posters, banners and hoardings put up on traffic intersection, highways and at stores to draw the interest of likely buyers are some other popular methods of outdoor campaigning. और अगर हम outdoor campaigning प्रचार करना चाहें तो बड़े बड़े poster लगा दे, banner लगा दे, hoarding लगा दे. आपने देखा होगा बड़े बड़े traffic signals के पास hoardings लगे होते हैं, जिससे कि लोग अपने product को launch करते हैं और उसके बारे में बताते हैं. However, advertising through audio-visual media of publicity such as television, radio and internet have a great impact. और audio-visual advertisement जो भी होता है जिसमें हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि radio, television, internet, उनका हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा impact पड़ता है. Radio has the maximum coverage as it is the cheapest and reaches all levels of society and every corner of the कंट्री. और रेडियो सबसे चीपेस्ट मीन्स है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पे टेलीविजन हम नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी
नहीं है वहां पे, फिर भी हम रेडियो से उस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टेलीविजन दो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, और सबसे एक्सपेंसिव मीडिया हम देखेंगे तो टेलीविजन है, ठीक है। हाउएवर इज इवन मोर इफेक्चुअल सिंस अलोंग विद ऑडियो इट हैज अ विजुअल अपील, और जो आपका टेलीविजन है वो इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, जिसका ग्रेट इम्पैक्ट आपके ऑडियंस पे पड़ता है। इन द करेंट सिनेरियो स्टडीज रिवील दैट इट इज इफेक्टिव इन स्प्रेडिंग ब्रांड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रेन टू, और करंट रिसोर्सेस में बताया गया है कि चिल्ड्रन के ऊपर भी टेलीविजन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नाउ ऑल अबाउट ब्रांड, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट का नाम है ना, जैसे अगर हम चाय पत्ती मंगवाते हैं तो उसमें भी ब्रांड होता है, टाटा है, महारानी है, अग्नि है ना, बहुत सारे, बाग बकरी है, सो ब्रांड प्रोडक्ट नेम। व्हेन यू विजिट द ग्रोसर अलोंग विद योर मदर यू मस्ट हैव हर्ड हर आस्किंग फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप और वॉशिंग पाउडर, सो व्हाट डस दिस मीन। तो आप अपनी मम्मी के साथ कभी ग्रोसरी शॉप पे या कहीं गए होंगे तो आपकी मम्मी प्रोडक्ट मांगती ना, मुझे अमूल का दूध दे दीजिए या मुझे रेक्सोना का साबुन दे दीजिए, लाइक दैट। सो व्हाट डज दिस ब्रांड मीन? ब्रांडिंग मीन्स टू स्टैम्प मर्केंटाइज विद इट्स नेम और सिंपल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ब्रांडिंग एक क्या है, एक तरह से स्टैम्प है सेम प्रोडक्ट का जो सिमिलर मार्केट में मिलते हैं। जैसे साबुन तो बहुत है, लेकिन आप रेक्सोना का ब्रांड अलग है जो उसको अलग करता है, उसपे अलग स्टैम्पिंग रहती है, उसकी अलग फ्लेवर है, उसका अलग खुशबू है ना। ब्रांडिंग इन फैक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रांडिंग ऑफ कैटल, ब्रांडिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ब्रांडिंग ऑफ कैटल से। अर्लियर कैटल ऑफ डिफरेंट ओनर्स ग्रेज टूगेदर, एज अ रिजल्ट दे गॉट मिक्स्ड अप। टू रिजोल्व द मैटर द ओनर स्टार्टेड स्टैम्पिंग द कैटल्स विद ओनर्स साइन। तो प्रीवियसली क्या होता था, जब कैटल आपस में घास चरते थे तो वो आपस में मिल जाते थे, तो इसको अवॉइड करने के लिए उनके ओनर ने उनके बॉडी पे एक पर्टिकुलर अपना स्टैम्प लगा देते थे अपने नाम का, जिससे कि पता चलता था कि ये किसका कैटल है। ब्रांडिंग इज एक्चुअली ए डिवाइस फॉर पोजिशनिंग मर्केंडाइज। तो ब्रांडिंग एक क्या है, एक तरह से एक डिवाइस है जो प्रोडक्ट को पोजीशन करता है कि उसकी मार्केट में पोजीशन कैसी है। इट इज यूज टू इनहेंस द पिक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, ये किसी भी प्रोडक्ट के पिक्चर को और इनहेंस कर देता है। फ्रॉम पैकेजिंग टू स्लोगन, आप देखते हैं कोई कोई चीजें होती है, कोई चॉकलेट होती है, उनकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो जाके बच्चे देख के अट्रैक्ट होके खरीदे उसको, उनके स्लोगन बहुत कैची होते हैं। विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर इट। ब्रांडिंग ऑल्सो नीड टू हाईलाइट द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वॉट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक मतलब इकलौता, अकेला, तो ऐसा कुछ उसमें फीचर होना चाहिए उस प्रोडक्ट में ताकि लोग उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, उसका वो यूएसपी हो। वेदर इट इज ड्यूरेबल और फास्टेस्ट और है द स्वीटेस्ट, और में चाहे वो उसकी खुशबू हो, चाहे वो उसका टेस्ट हो, या चाहे वो उसका कलर हो। ओके, वीट फ्लावर राइस बेसन पल्सेस आर नॉर्मली सोल्ड लूज इन द मार्केट, जो वीट है, राइस है, ये सब लूज मार्केट में हमें मिलता है। द मोमेंट ए कंपनी पैक्स एंड गिफ्ट्स इट्स ए नेम टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्रांड। और जैसे ही कोई कंपनी है ना, जैसे बेसन हमें खुला पे मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बेसन हमें फॉर्च्यून का भी मिलता है, ठीक है, राजधानी का भी मिलता है, आशीर्वाद का भी मिलता है। सो जैसे ही कोई कंपनी उसको पैक करके उसको अपना नाम दे देती है, वो क्या हो जाता है, ब्रांड हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लूज वीट फ्लावर इज अवेलेबल एट ऑल लोकल फ्लावर मिल्स, बट व्हेन ए कंपनी पैक्स इट अंडर स्पेशल नेम इट बिकम्स अ ब्रांड। जैसे कि सेम आटा, आटा हमें चक्की से आराम से मिल जाता है, लेकिन जब कोई कंपनी इसको पैक करके अपना नाम दे देती है तो वो आटे का ब्रांड हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी गो टू बाय कोल्ड ड्रिंक्स, टूथपेस्ट, सोप और टी, वी आस्क फॉर स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, मैं इस ब्रांड का चाहिए, मुझे कोका कोला चाहिए, या मुझे फ्रूटी चाहिए, या मुझे पेप्सी चाहिए। ओके, नेवरतलेस द नेमिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज नॉट इनफ टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, द कंपनीज हैव टू गिव द कस्टमर्स ए रीजन टू फेवर देयर ब्रांड। तो बस नाम देने से नहीं होगा, हमें कुछ अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्वालिटी डालना होगा ताकि लोग उसको क्या करें, खरीदे, अट्रैक्ट हो। दिस इज वॉट द एडवर्टाइजर्स डू
बाई हाईलाइटिंग सर्टेन स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। और यही कारण होता है कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसकी कुछ क्वालिटी को बताते हैं जिससे लोग उसको खरीदे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट टू ट्रेंडी सोप ब्रांड्स, वन क्लेम्स टू बी डीलक्स मॉइस्चराइजिंग सोप वाइल द अदर पॉपुलर ब्रांड डिक्लेयर्स दैट इट इज द ओनली सोप दैट गिव्स फेयर कॉम्प्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो सोप ले रहे हैं, एक क्लेम करता है कि वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग सोप है, स्किन को नरिश करता है, और दूसरा क्लेम करता है कि वो फेयरनेस देता है। At times, advertisers use catchy taglines to attract the attention of customers. इसके लिए advertisers जो होते हैं catchy slogans use करते हैं ताकि customers attract हो। Many companies also promote their products by recommendation of expert or users for professional. और कई companies उसमें professional के advice या expert के advice डालते हैं कि क्यों उन्हें ये product use करना चाहिए। Two business groups producing the same commodity will try to create a Nike for themselves by targeting different kinds of customers. तो दो business group, दो companies अगर वो same ही product बनाती है तो वो अलग अलग target criteria set करेगी customers को attract करने के लिए। They induce different kinds of sentiments and connect the product to the economic position and buying power of the customer. Therefore, a brand is a blend of traits communicated to a target audience through a name or symbol. तो ब्रांड क्या है? एक ट्रेट का मिक्सचर है जो कि पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करता है ताकि वो उनके नेम या सिंबल को बाय करे। ब्रांड वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ विजुअल्स एंड वर्ड्स दैट फॉर्म द ओवरऑल पिक्चर। तो ब्रांड वैल्यूज क्या होती है? एक तरह से ओवरऑल विजुअलाइज पिक्चर होती है। Value of a brand dwell in for the customer as in the assurance for the product or service will perform. From the point of view of the merchandise owner, the worth of the brand name lies in the safety of the higher future income. जितना ज्यादा brand का name होगा उतना ही ज्यादा company का future secure होगा. Thus, branding involves focusing resources on chosen material and unapparent features to distinguish the brand in an eye-catching, meaningful and persuasive manner for the target audience. So, simple language में हम क्या कहते हैं? Branding एक कला है जिससे कि हम audience को बांध के रखते हैं, attract करके रखते हैं ताकि वो हमारी product को खरीद सके। Once a brand is well known, it enjoys the capability to attract customers even without advertising. और जब एक बार ब्रांड का नाम हो जाता है तो उसको एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड ब्रांड फ्रेंचाइज और इसी को हम कहते हैं ब्रांड फ्रेंचाइज। सो द ब्रांड बिकम्स ए यूनिवर्सल एक्सप्रेशन रेफरिंग टू दैट प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट का ब्रांड होता है एक वो यूनिवर्सल उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम हो जाता है जिससे कि वो प्रोडक्ट जाना जाता है। ओके सो चिल्ड्रेन दैट इज ऑल फॉर टुडे। Today's homework is question number 1, name the various media used by the advertisers. Question number 2, what is branding? Question number 3 is, what is brand franchise? Question number 4, which is the cheapest means of advertising? And question number 5 is, what is the most important source of earning for the media? So children, these question answers you have to note down in your homework copy in a neat and clean handwriting. Okay? So that's all for today. Thank you, class.